आ गए उत्तराखंड ब्लॉग से और पहाड़ों में हो रही है ये देखो बहुत ही सुंदर बारिश हो रही है और ठंडा भी बहुत ज्यादा हो गया है गाइस। तो अभी बज रहे हैं 2:15 बज रहे हैं और मैं आई हूँ बाहर। तो ये देखो गाइस मैंने अभी बाल धोए हैं क्योंकि मैंने सुबह से लगा रखी थी मेहंदी और मुझको लगाया है बहुत ज़्यादा ठंडा और बारिश कल से हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और अभी हो रही है बहुत तेज़ बारिश। ये देखो गाइस बहुत अच्छी बारिश हो रही है, वैसे ज़्यादा तेज़ बारिश आ जाती तो और अच्छा होता गाइस। और मैंने यहाँ पे जगा रखी है अगेटी, तो हम सेकने वाले हैं आग और अभी हमने खाना खाया और ये देखो तो आज हम पूरा दिन आग सेकेंगे और अभी हमारी सासू माँ भी आने वाली है ऊपर से। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें और आँखों में लग रही है मिर्ची क्योंकि लकड़ियों से ना धुआं निकल रहा है और मैं और माँ ही हैं यहाँ पे और दादी आने वाली है अभी थोड़ी देर में और मैंने बुला रखा है अपनी एक फ्रेंड को, उसका कॉल आया था सुबह कि आग जलाओगे तो मुझे बुलाना, उसे भी आग सेकनी बहुत अच्छी लगती है तो बस उधर से इशारे कर रही है कि मैं आ रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ आ जाओ मैंने जला दी आग। तो गाइस वो अभी आएगी और हम आग सेकेंगे अच्छे से और पूरा दिन ऐसी गप्पे मारेंगे और आग सेकेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें और ठंडी इतनी हो गई थी कि ये देखो ये कुछ कलर आया है मेरे बालों में और वैसे मैंने जल्दी जल्दी धो दिया था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दाल चावल भी हमारा हो गया है, खाना होना सब हो गया है, अब पूरा दिन यहीं बैठ के गप्पे मारते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये देखो कौन आया, बहुत ज़्यादा ठंड लग गया बोलिया है, तो क्या बात है बोलिया बड़ी छो, तो उत्तराखंड में बोलिया बोलिया किसके लिए बोलते हैं, बोलिया तो पगलू मगलू के लिए बोलते हैं। तो ये देखो गाइस मेरे सासू माँ ने कितना यहाँ हुड पहन रखा है अपनी पोती का, कैसा लग रहा है फिट हो रखी है देखो सूट, वाह क्या सूट है क्या बूट है सूट बूट टोपा टापा बाप रे। तो बारह पड़ गया क्या तो मेरी सासू को बस सर दर्द हो रहा है गाइस। तो चलो आग सेको और सर दर्द दूर करो ठीक है, ठीक चल। और मेरे सासू माँ भी हमारे लिए बाजार से अच्छी अच्छी चीज मंगाने वाली है, तो रसगुल्ला ना तो सासू माँ बोली कैर खाना रसगुल्ला कौन खाएगा रसगुल्ला क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे ना, समोसा खाए कुछ नहीं खाना, बस हम तो खोला समोसा नहीं खाए तो और चीज तो खोल मी। चल सासू माँ जरा कुछ विशेष कर, पार्टी उठी हो जाए न्यू ईयर पार्टी, तो जरा कुछ बोलो अपने, तुम तो बहुत लोग पसंद कर दी कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोला मेरा खोलो। तो देखो गाइस कौन आया घर पे, आइए वेलकम, चूड़ा उड़ा लेके फिर आ गई तू, तेरे को बोला मैंने चूड़ा उड़ा चूड़ा मुड़ा मत लेके आया कर बस लगे रे किले ला तू किले ला तो मेरे 30 रुपए नुकसान हो गया, तब मैं 30 रुपए रात तुम सिलाई लोगी 30 रुपए मेरे सास समा देगी आज, टेंशन मत ले के को जब 30 रुपए दे देना है, मेरे सास समा से 30 रुपए मांग रही है, वो तो आंगनबाड़ी में जॉब करती है ना। तो चलो गाइस हां तो बड़ा अच्छी है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और ये देखो मैडम आ गई है धूप सेकने के लिए, धूप सेकने के लिए क्या सेकने के लिए आपने आग सेकने के लिए आई गाइस, धूप सेकने के लिए तो हम डेली जाते हैं इसलिए धूप ही आ रहा है तो बट सॉरी धूप सेकने के लिए आग सेकने के लिए मैडम को पिलाई जाएगी अभी गर्म गर्म चाय है ना, क्या खा के आई मालता।
चले जाओगे अभी छोड़ के है ना खबरन लगी होगी वो चश्मा लगी। हेलो हाय सब्सक्राइब करना लाइक करना मेरी चाची जी को बहुत आगे बढ़ाना नव वर्ष की सुबह नव वर्ष की बेला में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी चाची जी के ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन्हें रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों को हमारा नव वर्ष की बेला में हार्दिक स्वागत। तो गाइस खुद वीडियो देखने नहीं चल गाइस मेरी चाची के चैनल को सब्सक्राइब करना अपनी फैमिली में शेयर तो करती ही नहीं है, है? और ये देखो ये स्वेटर मुझे दे देना ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये देखो हमारी सासू माँ एकदम चकाचक हो गई है। तो मेरी सासू माँ को बहुत लोग पसंद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अच्छे कमेंट आते हैं बहुत करते हैं वीडियो भी करते हैं। मेरी दादी सुन जब हम क्या प्यारी लगी तो वो तो नहीं लगन प्यारी यार मुझे लगन जब किले निकल आ हमर दादी किले चांद किले किले चले रखी हूं मोबाइल लम जो कह रही ना लोग सब दिखा रहे ना वो कर दी पसंद जिनको अच्छे लगते हैं बना और जो बोल गई तो मां मुड़ जो खज के यार ये कपड़ा पहन जिन बंदे। अरे मेरे सासू माँ बहुत सीधी है आप नाराज मत हो ना मेरे सासू माँ बोली बोली मेरे को क्यों करेंगे पसंद। गाइस तो आज है नेक्स्ट डे और आज बहुत अच्छी धूप लगी है कल तो पूरा दिन बारिश रही और ये देखो आज बहुत सारे कपड़े भी धुले हैं और पहाड़ों का मौसम हो गया है बहुत अच्छा और ये देखो पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही है जैसे देखो बारिश से ना बहुत अच्छी हो जाती है पहाड़ियाँ बिल्कुल धुली धुली सी हो रही है बहुत ही अच्छी। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ गाइस कि कितना अच्छा हो गया है छत पे। और ये देखो आज हम लेके आए थे कान्हा जी को तो यहाँ पे कान्हा जी भी धूप सेक रहे हैं और मैं बना रही हूँ आज ये गैद की दाल है तो इसमें कंकड़ पत्थर हो गए थे तो मैं आज इनको साफ़ कर रही थी ये देखो और कुछ मैंने साफ़ कर लिए हैं। और चलो मैं आप पहाड़ों का व्यू आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगी। और अभी दोपहर का हमने खाना खाया और उसके बाद हम आ गए हैं छत में तो ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है और देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट वाइट से वहाँ कुछ बादल लगे हैं और धूप आज बहुत अच्छी रही तो इस वजह से मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं और आज मैंने छत की सफाई की और छत में ये जो लकड़ियाँ पड़ी थी इनको एक साइड रख दिया इधर और इधर सारी सफाई कर दी। और आज राशन भी आई थी हमारे कंट्रोल की दुकान में तो मैं राशन भी लेके आई हूँ वो भी मैंने रख दी है। और जब बारिश बंद हो जाती है और मौसम हो जाता है बहुत अच्छा तो फिर काम करने का खूब मन करता है तो मैंने आज पूरा छत साफ कर दिया है। और माही से मैंने कुछ मंगाया था कि कंकड़ हो रखे हैं ना इसमें तो ये देखो माही घूमने इतनी जल्दी जा रही हो ओके जाओ जाओ अरे यहाँ पे मेरे कान्हा जी ओके ओके जाओ जल्दी आना हाँ। और गाइस आज मैं घूमने नहीं जा रही हूँ क्योंकि छत में बहुत सारे कपड़े भी पड़े हैं और ये देखो जो ये गैस की दाल है ना इसको हम जो बारीक बारीक कंकड़ है ना वो निकल नहीं रहे हैं तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे छान लेंगे अच्छी तरह ये तो ये देखो इसमें बारीक बारीक कंकड़ निकल रहे हैं तो जो ऐसी वाली छनी होती है ना बहुत अच्छी होती है इससे ना छान के कूड़ा करकट सब निकल जाता है बहुत अच्छी तरह। तो आज मेरा घूमने का मूड नहीं है मैं कपड़े रखूँगी और ये दाल नीचे रखूँगी और कान्हा जी को भी नीचे ले जाएंगे है ना तो कान्हा जी सबको राधे राधे बोलो। तो गाइज आप मेरे कान्हा जी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और कान्हा जी सब पे कृपा करेंगे है ना जी। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में तब तक के लिए राधे राधे।